मिशन के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आइए मैं आज से आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर एक इंटरेक्शन करने वाला हूं। इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए, पिछले दिनों जब मैंने इकोनॉमिक्स को लेकर के कुछ रिसर्च लेवल पर काम किए, तो उसमें परिणाम ये आया कि सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो एक पार्टिकुलर अरेना से अपना संबंध रखते हैं। और यदि हम खास करके प्लानिंग और बैंकिंग के सेक्टर में यदि कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो फिर हमें परीक्षाओं में ज़्यादा बेहतर अंक पाने की गुंजाइश बनती है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में हमने आपसे UPSC के सवालों को लेकर के 10 साल का जो एक इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखा था, उसका भी निष्कर्ष यही है। और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्वेश्चन के पैटर्न को देखने के बाद यही निश्चित किया गया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, खास करके करेंट और इकोनॉमी को जोड़ करके यदि देखा जाए, तो एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो कवर हो जाता है। तो इस मुद्दे पर पूरी क्लैरिटी के लिए या इस पर अपनी पूरी कमांड के लिए आइए मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जाननी चाहिए कि किसी भी देश के इकोनॉमी में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है, उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या वित्तीय संस्था कहते हैं। तो ये वित्तीय संस्था आज हमारा विषय नहीं है, इसको हम लोग अलग में लेंगे। अब भी इस वित्तीय संस्था के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एक इकोनॉमी के अंदर होते हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो इंस्टीट्यूट है, उसको आप बैंक कहते हो। तो यहाँ मूल बात मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि यदि हम किसी देश के फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपसे बात करें, तो ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो है वो दो लेवल पर काम करता है। एक को आप कहते हो बैंक और एक को आप कहते हो NBFC। तो ये बैंक और NBFC, ये दो मेजर पार्ट्स हैं किसी भी देश के इकोनॉमी के। आप इसको रिप्रेजेंट करें कैसे, इकोनॉमी से। तो ये जो इकोनॉमी है, उसको रिप्रेजेंट करने के जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ओनली टू टाइप्स हैं, एक बैंक है और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। तो आज मैं आपसे पर्टिकुलर बात करने वाला हूँ बैंक्स के बारे में। NBFC के बारे में हमने पिछले दिनों कुछ मौलिक बात की थी फाउंडेशन लेवल पर, अब उसमें एडवांस लेवल की बात अगले क्लास में होगी। तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में NBFC की बात आज हम लोग नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे किसकी, बैंक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में यदि मैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में आपको क्लियर और कंसेप्चुअल जानकारी देने की कोशिश करूं, तो वहां जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है, जो हर एस्पिरेंट्स को, हर स्टूडेंट्स को हर हाल में जानना ही चाहिए, वो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि आप ये जानिए कि इंडिया में बैंक्स कितने तरह के हैं, या इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का जो ये मॉडर्न फॉर्म नज़र आता है, ये कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो ये दो फाउंडेशनल इन्फॉर्मेशन है कि पहले तो हम ये जाने कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम क्या है, और दूसरा ये जाने कि इंडिया में मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ मैं शुरुआत करता हूँ आपसे कि यदि हम टाइप्स की बात करें, तो आपको बिल्कुल और स्पष्ट रूप से ये जाननी चाहिए कि ये जो बैंक नाम के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स मेनली दो तरह के। एक को आप कहोगे क्या, सेंट्रल बैंक, एक को आप क्या कहोगे, सेंट्रल बैंक, और एक को आप क्या कहोगे, कॉमर्शियल बैंक। क्या कहोगे, कॉमर्शियल बैंक। अब फिर आपको कॉमर्शियल बैंक में डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे, जिसको हम लोग कॉमर्शियल बैंक्स के लेसन के अंदर देखेंगे। ये दो पार्ट जो बन रहे हैं बैंक के, एक सेंट्रल बैंक और एक कॉमर्शियल बैंक, तो आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। तो दोस्तों, यदि मैं इंडिया के सेंट्रल बैंक के बारे में बात करूं, तो सबको पता है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, उसका नाम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां मैं आता हूं, पहले कुछ क्लैरिटी यहां क्लियर कर ले हम लोग कि ये जो सेंट्रल बैंक है और ये जो कमर्शियल बैंक है, दोनों में मौलिक अंतर क्या है।
हम किस इंस्टीट्यूट को सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं और किसे हम कमर्शियल बैंक्स के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रल बैंक है मतलब ये एक ही होता है और इसके नाम में ही लगा हुआ है केंद्रीय शब्द। एक केंद्रीय बैंक है मतलब कि ये किसी भी देश के किसी भी राष्ट्र के पूरे होल इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन करता है, पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था का रिप्रेजेंटेशन करने वाला जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसी को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। ये कॉमर्शियल बैंक जो है वो रीजनल लेवल के भी होते हैं, कुछ का प्रोलिफरेशन इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति बनाने लगे हैं। तो ये जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और ये जो सेंट्रल बैंक है वह रेगुलेटरी ऑथोरिटी का काम करता है, रेगुलेशन का काम इसका है, मतलब रूल्स रेगुलेशन लॉ बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो बनेंगे उसको फ्रेम करना, उसको इंप्लीमेंट करना। मतलब कमर्शियल बैंक पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा कौन, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और उसका मूल्य काम मुख्य काम ये है कि वो कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन डेवलप करता है। तो इस तरह से आप मूल अंतर समझ रहे हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। अगर अभी भी आप सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं रख पा रहे हैं तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि देखिए बैंक के नाम से हम किस तरह के इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैंक का मौलिक मतलब है कि ऐसे वित्तीय संबंध जिसको आप नाम देते हो डिपॉजिट, क्या नाम देते हो, डिपॉजिट और क्रेडिट। तो ये डिपॉजिट और क्रेडिट मतलब धन जमा लेना और धन उधारी देना, क्रेडिट पर देना, ये दो काम जो इंस्टीट्यूट करता है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जो बैंक है वो एजेंसी संबंधी एजेंसी रिलेटेड काम भी करता है और यूटिलिटी फंक्शन भी बैंक्स के। यूटिलिटी फंक्शन का मतलब है कि वो डिपॉजिट और क्रेडिट के अलावा जो अदर फाइनेंशियल सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि वो आपको चेक की सुविधा दे रहा है, डीडी डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा दे रहा है, तो इस तरह की जब वो सुविधा बैंक आपको दे रहा है तो वो क्या है, यूटिलिटी सर्विस है। एजेंसी संबंधी सर्विस है कि वो अपने ग्राहक का कंज्यूमर का एजेंट बनके उनके बिल ऑफ एक्सचेंज को उनके दायित्वों को पूरा करता है। जैसे यदि किसी बैंक में आपका खाता है तो वो बैंक आपका ईएमआई जो आपने लोन लिया है उसके ईएमआई किस्त को जमा कर देता है, या आपके एलआईसी के प्रीमियम को जमा करता है, या आपके अदर तरह की देनदारियां जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह को क्या है, डिपॉजिट करता है और उसकी बाकायदा सूचना आपको देता है। तो इस तरह से आपका एजेंट बन के, ग्राहक का एजेंट बन करके बैंक बहुत सारा काम करता है। तो वहाँ हम कहेंगे कि एजेंसी रिलेटेड वर्क है। यूटिलिटी वर्क में जो अदर फैसिलिटी दे रहा है बैंक, आपको लॉकर की सुविधा दे रहा है या आपको अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने की सुविधा दे रहा है या आपको चेक डिमांड ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं दे रहा है, तो इसको यूटिलिटी सर्विस करते हैं। तो ये दो काम भी हैं, ये दो गौण काम हैं, ये प्रमुख काम नहीं है। गौण काम प्रमुख काम क्या है कि डिपॉजिट और क्रेडिट। बैंक का मतलब है कि वो डिपॉजिट लेता है और क्रेडिट देता है, ये दो काम जो करते हैं वो सब बैंक है। तो फिर आरबीआई सेंट्रल बैंक का मतलब क्या हुआ, ये भी डिपॉजिट ले रहा है, ये भी डिपॉजिट ले रहा है और ये भी क्रेडिट दे रहा है, ये भी क्रेडिट दे रहा है। तो ये जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, हम कह रहे हैं कि वो बैंक नहीं है, वो क्या है, एनबीएफसी है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। जबकि मैं कह रहा हूं कि कमर्शियल बैंक के जो काम है वो डिपॉजिट और क्रेडिट है और ये दोनों काम आरबीआई भी कर रहा है, लेकिन मौलिक अंतर है उसको आप समझ लीजिए। मौलिक अंतर क्या है कि बैंक जो डिपॉजिट ले रहा है वो डिमांड डिपॉजिट है, वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब हुआ कि आप बैंक में इस शर्त पर अपनी धनराशि जमा कर रहे हो कि आप जब चाहे उसका डिमांड कर सकते हो, तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो बैंक जो डिपॉजिट ले रहा है उसमें डिमांड डिपॉजिट भी है और अदर तरह के कंडीशनल डिपॉजिट्स भी हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, रेकरिंग डिपॉजिट है।
तो सारे तरह के डिपॉजिट ले रहा है कौन? बैंक, इंक्लूडिंग डिमांड डिपॉजिट। आरबीआई डिपॉजिट ले रहा है, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले रहा है। तो जो डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता है लेकिन अदर टाइप्स के डिपॉजिट लेता है और क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं? एनबीएफसी। और जो डिमांड डिपॉजिट भी लेता है और अदर तरह के डिपॉजिट्स भी लेता है और क्रेडिट का सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्या है? बैंक। तो मौलिक अंतर क्या है एनबीएफसी में और बैंक में, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में अंतर क्या है? तो अंतर मौलिक बस इतना ही है कि ए जो है वो डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता है जबकि ए डिमांड डिपॉजिट लेता है। तो दोस्तों यदि आप इस प्रथम फाउंडेशन को इंटीमेट कर चुके हैं तो अब आइए मैं आपको अगले पड़ाव पर लिए आता हूँ। और ये जो अगला पड़ाव है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात थी कि हमने ये समझा कि बैंक क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है और बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। तो मौलिक रूप से हमने ये बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने समाज से, अर्थव्यवस्था में रहने वाली जनसंख्या से वित्तीय संबंध, धन संबंधी संबंध बनाते हैं, उसका कार्यान्वयन करते हैं। ऐसे सारे इंस्टीट्यूट्स को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वित्तीय संस्थान। तो ये जो वित्तीय संस्थान है ये दो भागों में मूल रूप से है, एनबीएफसी और बैंकिंग। एनबीएफसी का मतलब क्या है? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट। और दूसरा बैंकिंग। अब बैंकिंग में हमने आपको बताया कि एक सेंट्रल बैंक और एक कॉमर्शियल बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक्स के बहुत सारे वैरायटीज होंगे और वो बहुत तरह के सर्विस करेंगे। मूल अंतर जो होगा कॉमर्शियल बैंक में और सेंट्रल बैंक में वो ये होगा कि सेंट्रल बैंक डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता है। रियली सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एनबीएफसी है। अब मैं आता हूँ कि हम लोग पर्टिकुलर जाने कि हमारा आरबीआई है क्या। तो दोस्तों आरबीआई के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये आरबीआई की स्थापना की कहानी शुरू होती है 96 में, जब हिल्टन यंग कमीशन इंडिया आया था। इसे हम रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हिल्टन यंग कमीशन इंडिया आया था ये 1926 में आया था और उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी। इस प्रॉब्लम्स ऑफ मनी नामक किताब में भीमराव अंबेडकर उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करे और इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो मनी मार्केट है खास करके उसको कंट्रोल करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था, केंद्रीय संस्था बननी चाहिए। इस बात को प्रयोग किया था, एडवोकेट किया था भीमराव अंबेडकर ने